हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एक्मे स्मार्ट इनोवेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैजेट के बारे में, जो है एक्सटर्नल कॉलर माइक या एक्सटर्नल माइक्रोफोन। आजकल हम वीडियोस बनाते हैं कई ओकेजन्स पे, तो हमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन की रिक्वायरमेंट रहती है। एक्सटर्नल माइक्रोफोन, इसका ब्रांड है बोया, मेड इन चाइना है। तो चलिए इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इस माइक्रोफोन के क्या क्या एक्सेसरीज हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं और इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, ये माइक्रोफोन है, इसका मॉडल है BY-M1, बोया M1। बॉक्स के अंदर एक तो ये यूज़र मैनुअल दिया गया है, सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें, विद वन वारंटी कार्ड इज ऑल्सो देयर। और ये एक पाउच इसके साथ आता है। इस पाउच को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये माइक्रोफोन हमें देखने को मिलता है। देखिए, ये हमारे पास माइक्रोफोन है, दिस इज द माइक्रोफोन। इस माइक्रोफोन में ये क्लिप लगा हुआ है, इस क्लिप को आप अपनी शर्ट में टैग कर सकते हैं, तो ये माइक्रोफोन आपके साथ अटैच हो जाएगा, आपकी शर्ट के साथ अटैच हो जाता है। ये इसका माइक्रोफोन का कनेक्टर है, द ऑडियो कनेक्टर, ऑडियो जैक। आप अपने सेलफोन में इसको इंसर्ट कर सकते हैं या फिर अपने किसी कैमरा में इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक इसमें बड़ा जैक दिया गया है, ये इसलिए है कि अगर आपने इस माइक्रोफोन को डायरेक्टली PA एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में अगर आपने इंसर्ट कर देंगे आप इसको, तो आप डायरेक्टली PA सिस्टम में भी इसकी इनपुट दे सकते हैं। ये वाला छोटा जो पिन है, ये इस बड़े पिन में इस तरह से अटैच हो जाता है और फिर ये बड़ा पिन जो है, ये PA सिस्टम जो है उसमें ये इंसर्ट किया जाता है। और इसके साथ देखिए, ये एक छोटा सेल है, 1.5 वोल्ट्स का एक सेल इसके साथ है। बीच में अगर हम देखेंगे वायर के बीच में, एक एम्पलीफायर सिस्टम, यहाँ पे एम्पलीफायर सिस्टम हमें मिलता है। इस एम्पलीफायर में एक स्विच दिया गया है, इस स्विच को हम अप या डाउन स्लाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको डाउन करते हैं तो ये स्मार्टफोन की तरफ आ जाता है और अगर हम इसको अप स्लाइड करते हैं तो कैमराज की तरफ आ जाता है, एक्सटर्नल कैमराज। तो क्योंकि हमने इसको स्मार्टफोन के साथ यूज़ करना है तो हम इसको नीचे की साइड स्लाइड करके रखेंगे और ये ओपन हो जाता है इस तरह से। इसको ओपन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में हम ये सेल इंसर्ट कर सकते हैं। ये सेल इस तरह से इसमें इंसर्ट हो जाता है और सेल इंसर्ट करने के बाद में आप इसको यूँ क्लोज कर सकते हैं। सेल इसलिए दिया गया है कि जब आप इस बोया माइक को कैमरास के साथ यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल कैमरास के साथ यूज़ करेंगे, तो उन कैमरास को पावर, उनके लिए ये पावर सोर्स की तरह काम करता है, तो हमें उस समय ये सेल की ज़रूरत होती है। पर अगर हम स्मार्टफोन के साथ यूज़ करेंगे तो इस सेल का कोई यूज़ नहीं है, तो हम इसको निकाल के रख सकते हैं, तो ये स्मार्टफोन के साथ ये सेल यूज़ नहीं होता। तो और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो बोया माइक्रोफोन है, इसकी जो वायर लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेटली 6 meters है। दिस टोटल वायर लेंथ इज 6 meters। तो 6 meters वायर लेंथ जो है ये सफिशेंट है, आपको एक अच्छा डिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है और बहुत इजी टू यूज़ हो जाता है ये माइक। इस माइक को इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले अपने स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन एक डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हम अपने लिंक में भी दे देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इसका लिंक, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है ओपन कैमरा, ये देखेंगे आप, ओपन कैमरा, ओपन कैमरा।
ओपन कैमरा जो ऐप है ये आप डाउनलोड कर लीजिए अपने स्मार्टफोन में। इसको आपको कुछ सेटिंग्स इसमें करनी पड़ेंगी, वो सेटिंग्स क्या है इसको आप लॉन्च कीजिए। इसके बाद ये इस तरह से आपको शो करेगा, देखिए ये कैमरा ऑन हो जाता है, ये कैमरा ऑन हो गया है। आपको इसके सेटिंग्स पे जाना होगा, ये है सेटिंग्स, सेटिंग्स को क्लिक कीजिए। सेटिंग्स पे जाकर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वीडियो सेटिंग्स, देखिए ये है वीडियो सेटिंग्स। वीडियो सेटिंग्स को आप क्लिक कीजिए और फिर आप दोबारा से स्क्रॉल डाउन करके आपके पास आ जाएगा ऑडियो सोर्स, क्योंकि ये एक ऑडियो सोर्स है तो हम इस ऑडियो सोर्स को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस आ जाती हैं कैमकॉर्डर एट्सेट्रा, तो क्योंकि हम अभी एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हैं तो हम एक्सटर्नल माइक को ये यहाँ पे प्रेस कर देंगे। तो देखिए हमने इसको एक्सटर्नल माइक को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपको इस सेटिंग को एक्सटर्नल माइक की सेटिंग को यहाँ पे प्रेस करना होगा, अदरवाइज ये ऑपरेट नहीं होता। तो आपको एक्सटर्नल माइक की सेटिंग पे आप इसको प्रेस कर दीजिए तो ये इसकी सेटिंग हो गई। तो जस्ट ये इतना ही इसका सेटिंग है, इसके बाद आप इसको बैक आ जाइए और बैक आ जाने के बाद ये आपका जो ऑडियो जैक था, इस ऑडियो जैक को आप अपने सेलफोन में इस तरह से इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट करने के बाद में आप अपना रिकॉर्डिंग प्रेस कर लीजिए, ये आपका रिकॉर्ड होने लग जाएगा और आपका माइक्रोफोन ऑपरेट होगा। आप अपने माइक्रोफोन में आप बोलेंगे तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है और ऑडियो जो है इसके थ्रू ये रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद में आप इसको स्टॉप कर लीजिए और फिर अब जब आपको इसको प्ले करना है तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसको प्ले कर लेंगे इस वीडियो को, अब जैसे ये आप प्ले करेंगे यहाँ पे तो आवाज़ नहीं आती, तो वो सोचते हैं कि हमारा माइक ने काम नहीं किया, हमारा रिकॉर्डिंग नहीं हुई, आवाज़ नहीं आई। तो आवाज़ तब तक नहीं आएगी जब तक आप इसके जैक को दोबारा से यहाँ बाहर ना निकाल लें। इसके जैक को आप बाहर निकाल लीजिए, डिस्कनेक्ट कर लीजिए, तो इसके डिस्कनेक्शन के बाद में ही आप इसको वीडियो को आप प्ले करेंगे तो ये साउंड जो है ये आपकी आ जाएगी। और हमने ये टेस्ट करके देखा है, बोया माइक बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, बड़ी लो इंटेंसिटी वॉल्यूम को भी ये रिकॉर्ड कर सकता है। हमें तो ये बहुत ही यूज़फुल लगा ये बोया माइक। तो ये माइक हमारे पास भी अवेलेबल है, वी आर ऑल्सो सेलिंग दिस प्रोडक्ट। तो अगर आपको ये परचेज करना है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्टली फ़ोन कॉल आप कर सकते हैं, तो वी विल प्रोवाइड यू द प्रोडक्ट। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? आई होप ये इन्फॉर्मेटिव था, हमारे लिए ये डिवाइस बहुत काम का था, हमें बहुत यूजफुलनेस इसकी महसूस हुई तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लें। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।